हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ ही नहीं निकल रही। अभी ना सर्दी इतनी जल्दी जा नहीं रही है और इतनी जल्दी जाती भी नहीं है। खैर बहरहाल, गुड मॉर्निंग। व्हाट अ सनी डे, बहुत ही ब्यूटीफुल सा डे है। बस ये है कि हवाएं बहुत ज़्यादा चल रही हैं, मतलब ये इन हवाओं ने कर रखी ठंड। वैसे इतनी कोई खास ठंड नहीं है, अगर ये हवाएं चलना बंद हो जाए तो अच्छी खासी गर्मी आ जाए, बट स्टिल हवाएं चल रही हैं तो इसे ठंड है। अच्छा, कोई भी मौसम होता है एक वक्त के बाद ना वो बर्दाश्त नहीं होता, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो। जब गर्मी होती है तो ऐसे लगता है तो गर्मी होती है तो ऐसा लगता है गर्मी चली जाए जल्दी से। जब बारिश होती है तो ऐसा लगता है बारिश ही चली जाए। बारिश तो मुझे वैसे भी पसंद है, आई डोंट लाइक रेनी सीजन। वो इसलिए क्योंकि मतलब हर जगह वो ही रहता है एक नमी नमी से। मैं कई बार ऐसे सोचती हूँ कि बॉम्बे में लोग कैसे रहते होंगे, क्योंकि बॉम्बे में का मौसम तो अनप्रिडिक्टेबल होता है और वहाँ जब चाहे बारिश हो जाती है, तो वहाँ का वेदर तो वाकई में। तो हाँ, मैं ये बता रही थी कि ज़्यादा ना ठंड अच्छी, ना गर्मी अच्छी, ना सर्दी अच्छी। अब ऐसा लग रहा है जल्दी से सर्दी जाए, गर्मी के दिन आए और हल्के हल्के कपड़े पहनेंगे, मोटे मोटे स्वेटर उससे निजात पाएँ। तो वह सुबह का टाइम है, 10:30 बज रहे हैं। मैंने नाश्ता नहीं किया, मैंने अभी ना कपड़े तय कर रही थी वहाँ पर, अभी मैंने काफ़ी हद तक तय कर दिए हैं। अब थोड़ी सी रह गई, मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने कहा चलो मैं नाश्ता बना लेती हूँ, फिर उसके बाद करेंगे। अभी सफाइयाँ वगैरह कुछ नहीं हुई, वो सब भी करना है, कर लेंगे। तो हाँ, ज़रूरी बात आप लोगों को बता दी कि आज मैं क्या हुआ। आज ना, आज मैं कब से अपने पापा से कर रही थी, मुझे ना पसंद करना था। आज आयरा के पापा ने बोला है उससे कि चलेंगे, मतलब मेरे हिसाब से बोला था कि शाम को 4 बजे चलेंगे। आई एम जस्ट वेटिंग कि शाम को 4 बजे क्या हमारा नंबर आता है। मैंने तो खैर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया है ना, बोलेंगे तो चली जाऊँगी मेरा क्या। तो देखते हैं, अभी उनके काम का भी ऐसे कोई पता नहीं होता ना, अगर उन्हें कोई बुकिंग मिल गई तो वहाँ चलेगी। तो मतलब मैं अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा खुश नहीं करना चाह रही, सोचूँ जो काम हो जाए जब हो जाए तब खुश करूँगी, पहले से नहीं करूँगी। ज़्यादा एक्साइटमेंट जो होती है ना वो बेकार ही होती है, अभी सब तो होता ही ऐसा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ। बस आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग के साथ शेयर करूँ, अगर ऐसा होता है तो बढ़िया। चलो फिर, अभी नाशा करी थी, मुझे भूख लग रही बहुत ज़्यादा से और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही। चलो ठीक, सो फाइनली हम निकल चुके हैं घर से। मैंने आप लोगों से सुबह थोड़ा बहुत जिक्र तो किया था, लेकिन फिर मैंने उसके बाद कुछ भी ना शूट किया ना कुछ। मैंने कहा एक बार निकल जाओ, क्योंकि फिर वो बाद में जो बेइज्जती होती ना वो बड़ी बढ़िया वाली होती है, तो मैं वो कराना नहीं चाह रही थी। तो मैंने कहा चलो पहले निकल जाते हैं और फिर आप लोगों को बता देते हैं। जी हाँ, फाइनली हम लोग जा रहे हैं पठान देखने के लिए, और मैंने ये पहना हुआ है और इसी का मैचिंग मैंने थोड़ा सा लाइनर वगैरह लगा लिया था, रखा था मेरे पास। और कौन कौन है मैं आपको ये दिखा दूँ। टेरा लिवाओ, से हाय। ओ लिबू तो शर्मा गई। लिबू से हाय, लिबू से हाय, हाय तो कर लो। लिबा की ज़्यादा खुश है, तो वो इनका जितना बड़ा इनका मुंह फटेगा उतनी ज़्यादा इनको खुश नजर आएगी। और इधर से हाय, अब पीछे तो वो थोड़ा सा, अब बताओ कि आप कितना, सबसे ज़्यादा तो आपने हल्ला मचाया हुआ था, और पापा आप ही के लिए तो जा रहे हैं, आप ही सबसे ज़्यादा क्या थी, एक्साइटेड थी। अब आप एक्साइटेड हो? हाँ। बहुत एक्साइटेड हो, पठान देख कर आओगी? अच्छा जी, ये तो शायद कुछ बोलना ही नहीं चाहेंगे। कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ जी, कुछ बोलना चाहेंगे? इसमें देखो, वहाँ देखो सामने। हाँ, यही बोलना चाहेंगे। हाँ, तो बस हमेशा की तरह वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। तो चलो, हमारी खुशी का अंदाज़ा आप हमारी मतलब मुस्कुराहट से लगा सकते हैं, और बाकी वहाँ पहुँच जाते हैं। कौन सा हॉल है मूवी हॉल मुझे अभी कुछ नहीं पता, जाएँ ले जाएँगे वहाँ, भी ले जाएँगे हम अपने साथ और दिखाएँगे। तो चलो फिर चलते हैं अपने मूवी हॉल। सारे कैमरों में पीछे से क्लियरिटी अच्छी आती है, आगे से नहीं आती। आगे वाले कैमरे इतने अच्छे क्यों नहीं देते हैं बना के, इतने महंगे महंगे फ़ोन लो। वैसे मैं सच्ची बताऊँ, मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं कभी इतना महंगा फ़ोन चलाऊँगी, नेवर। तो
जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं और ये है ग्रेट मॉल। ओके, इसका नाम ही ग्रेट मॉल है, ज़्यादा हम देख नहीं पाए थे क्योंकि डायरेक्ट मॉल में घुसते इन्होंने पार्किंग में लगा दी थी। सो यस आई एम वेरी एक्साइटेड, मतलब कहते हैं ना इतना ज़्यादा शोर है किसी चीज़ के बारे में तो उसे देखना तो बनता ही है, उस मतलब शोर में थोड़ा सा हम भी शोर मचा देंगे। और मैं तो इनसे ये कह रही थी कि काश वो मेरा इंटरव्यू लेने आ जाए, तो ये कहेंगे हाँ इतने दिनों बाद तू ही तो रहेगी तो तेरा इंटरव्यू लेने आएंगे। खैर बहरहाल चलो देखते हैं कि मूवी मतलब जिस हिसाब से इतना शोर हो रहा है उस हिसाब से मूवी है या नहीं है, हम देखेंगे। अपनी रेटिंग आपको वीडियो के एंड में मैं इंशाल्लाह ज़रूर बता दूंगी। तो ये वो वाला मॉल है जो मैंने ना अभी तक मतलब यहाँ पर दो ही फिल्में देखी, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना तो तभी मार्च में मेरी शादी हुई थी और मेरे ख्याल जून जुलाई में आई थिंक ईद होती थी उस दौरान, 8 से 8 साल पहले जहाँ तक मुझे याद है। तो बस फिर पहली मूवी मतलब पहली ईद की पहली मूवी हमने बाहुबली 1 देखी थी, तो वो इसी हॉल में देखी थी और बाहुबली 2 भी इसी में ही देखी थी। तो पता है क्या, मुझे ऐसा लगा था कि ये और भी ज़्यादा बन गया होगा और भी ज़्यादा अच्छा हो गया होगा ये मॉल, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं है। अभी भी काफ़ी सारी यहाँ की मतलब शॉप्स वगैरह हैं वो सारी ऐसी ही हुए हैं। तो मैं इनको यही बोल रही थी, मैंने कहा ये दिल्ली मथुरा यहाँ के ये जो मॉल्स होते हैं ये इतने वीरान क्यों होते हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो ये बोल रहे थे कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन चलते रहते हैं, इनमें काम वगैरह चलते रहते हैं। तो मैंने कहा इनमें भीड़ क्यों नहीं होती है ये बताओ। अच्छा यहाँ आने में मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, मैं इनसे यही कह रही, मैंने कहा अभी तो चलो मतलब दिन सा हो रहा है, दिन निकल रहा है मतलब शाम हो रही है, हम ये 5 बज रहे हैं, हमने 5:30 का शो देखा था तो अभी तो आपको ठीक लगेगा। लेकिन हम जब मूवी देख के 8 बजे बाहर निकले थे ना तो इतना सुनसान लग रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा डर सा ही लग रहा था। तो खैर बहरहाल बाबूजी चल रहे हैं और मैं बाबूजी से हमेशा यही कहती, ये कहते मतलब मैं कहती हूँ कि तुम आगे चलो। अच्छा मुझे हमेशा से ऐसे ही हस्बैंड चाहिए था, यू नो होते हैं कि एक रोब होना चाहिए और मैं उनके पीछे पीछे चलूँ, लेकिन ये इतने क्यूट है ये हमेशा मुझसे कहते हैं तू जा तू आगे बढ़ तू कर। मुझे कई बार लगता है अरे यार मुझे नहीं ऐसा करना, मतलब तुम मेरे सरताज हो तुम। मैं आयरा को भी यही समझाती हूँ कि पापा हमारे किंग हैं, पापा बड़े हैं, पापा ये वो। तो आयरा कहते हैं पापा हमारे हीरो हैं, मैंने कहा हाँ पापा हमारे हीरो हैं। तो लेकिन खैर ये भी अच्छी चीज़ है क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ों की बहुत सारी तमन्नाएं होती है कि उनको ऐसा मतलब हस्बैंड मिले जो बहुत सारी आज़ादी दे। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज़ादी तो बहुत सारी, शायद मुझे इतनी आज़ादी नहीं चाहिए थी। और ये हमेशा होता है जिन्हें चाहिए होती है उन्हें नहीं मिलती और जिन्हें नहीं चाहिए होती ना उन्हें मिल जाती है। तो मुझे हमेशा से नहीं चाहिए थी क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हमारी मम्मा स्ट्रिक हुआ करती थी, तो उतनी आज़ादी की हमें थी भी नहीं आदत। और हस्बैंड मिल गए इतने ज़्यादा कि वो हर चीज़ में कि तुम जाओ तुम आगे बढ़ो तुम करो तुम ये वो, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मुझे नहीं जाना मुझे डर लगता है। तो खैर बहरहाल हम लोग को सीट्स मिल चुकी हैं और यहाँ पर मैंने ना आयरा को दे दिया था फ़ोन, मैंने कहा तुम हमारा शूट करना, देखना कितना खूबसूरत शूट कर रही हैं आयरा हमारी। अभी आप देखना, अभी तो थोड़ा बहुत मैं दिख भी रही हूँ, अभी आगे देखना आप सिर्फ हमारी इस सर की मतलब खोपड़ियाँ ये देखो, अब आपको बस यही नज़र आएंगे। तो मैं यही कह रही थी, मैं तो इतना बन बन के दिखा रही थी कि शायद हमारी शूटिंग हो रही है, मैं अपना चश्मा दिखा रही हूँ मैं ये कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं आया। और आ रहा बड़े मज़े से बन के बना रहे थे, तो मैंने जब आप देखी ना वीडियो मुझे इतनी हंसी आई, आ रहा कि बच्चे मेरा सारा काम खराब कर दिया। तो चलो अब मूवी शुरू हो रही है, अब मूवी देखते हैं। तो यहाँ पर इंटरवल का टाइम हो गया था और इन्होंने हमें ला के दिया था इंटरवल के लिए कुछ खाने पीने का सामान। तो ये देखो सबसे पहले तो ये ने मैडम को देखो, तो यहाँ पर पॉपकॉर्न था, पैटीज थी और कोल्ड ड्रिंक, हालांकि मना कर रहे थे लेकिन फिर मैंने ऐसे मतलब कह दिया कि यार ला दो, क्योंकि आयरा को ये अच्छे से पता है कि हॉल में बैठ के कोल्ड ड्रिंक पीते क्योंकि ये दिल्ली में जाते हैं हम लोग के साथ, तो इसे पता है। तो जैसी मूवी मतलब शुरू हुई थी ना इन्होंने तभी कह दिया मम्मा प्यास लग रही है, तो मैंने कहा मैं पानी तो लाई नहीं, तो इसे बोला कोला पिला दो कोई बात नहीं, मैं तभी समझ गई थी मैंने कहा इसे कोल्ड ड्रिंक ही पी। और यहाँ पर महारानी को देखिए मतलब इनके कोई ठाट है, और उधर बाबूजी को देखिए इतनी अच्छी मूवी चल रही है और वो अपना लूडो खेल रहे हैं। मतलब देखा होगा आपने ऐसा बंदा कहीं इस दुनिया का सबसे अजीम और तरी बल्कि मुझे ये बोल रहे थे कि बच्चों के साथ तो मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी भी हो रही क्योंकि ये कभी रो रहे थे कभी कुछ हल्ला काट रहे थे, तो मैंने कहा बच्चों के साथ ऐसे ही होता है कोई माइंड नहीं करता, सबको पता ही छोटे बच्चे हैं। मैंने जोड़कर एक ऐसी फौलादी तलवार बनाओ बटा जिसके सामने दुश्मनों के रूप काम जाए, लेकिन सिर्फ तलवार किसके हाथों में गई, कहां वार करना है कैसे वार करना है ये फैसला कौन करे, तलवार तुम्हारी तो फैसला भी तुम्हारे लोग। अभी
नहीं करो सॉरी सर मैं निकल मेरी इस वक्त जरूरी अपॉइंटमेंट है मेरी मेरी किसके वो मेरे हेयर ड्रेसर के साथ बाल कटवा रहे हो नहीं सर सिर्फ शैम्पू पर ख़त्म हो चुकी है और ये चले गए थे कार को लेने के लिए पार्किंग में से और हमें बता गए थे कि हमें कहाँ जाना है लेकिन उससे पहले जब हम अंदर की तरफ से ऐसे आ रहे थे ना तो यहाँ पर बच्चों को दिख गई ये वाली गाड़ियाँ और बच्चे तो फिर आपको पता है बच्चे ही होते अब वो आए कहने लगी मामा मुझे चलानी है अब मुझे ये डर कि बाबू जी बाहर कहीं आना जाए तो आरा अब ज़िद पड़ गई वैसे आरा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बच्ची नहीं है उसने एक दो बार ही कहा लेकिन फिर मैंने कहा चल बच्चे रोज़ रोज़ नहीं आते कोई बात नहीं मैंने कहा चला लो तो हालाँकि मैं यही बोल रही थी कि बेटा तुम कार में ही आई हो तो लेकिन वही वाली बात है कि बच्चों की कार है तो उनको वही पसंद आएगी तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ मॉल का लुक तो इस तरह से मॉल है मॉल ऑलमोस्ट सब एक ही तरह के होते हैं थोड़ा बहुत ही डिज़ाइन वगैरह अलग होता है बाकी ठीक ठाक है लेकिन हाँ काफ़ी सारे शॉप्स की एम्प्टी पड़ी थी अच्छा यहाँ पर ना उनका कॉल भी मुझे आ गया था और इसमें 6 राउंड्स थे तो उनका कॉल आ गया था कि मैं बाहर खड़ा हूँ तुम लोग कहाँ रह गए रहने का ये आ रहा ना कार के लिए करने लगी तो कह रहे अरे यार अब मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं मैंने कहा चलो चलो जल्दी चलो तो बस फिर मैंने भैया को बोल दिया था कि भैया अब आप रहने तो जितने भी हो गए अब हमें जाने दो अच्छा नहीं लगता ना कि फिर उनका मूड ख़राब हो हालांकि वो बहुत काम बंदे हैं वो ऐसे मतलब इतना गुस्सा ऐसे नहीं करते कि जैसे कि ये क्या हो गया वो क्या ऐसा नहीं है लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी भी इंसान को उसको मतलब अपने आपा खोने पर मजबूर किया जाए कि अगर उन्होंने कह दिया तो एक ही चीज़ काफ़ी है कि आ जाना तो ये तो बच्चों के चक्कर में मैं रुक गई वरना मैं नहीं रुकती घुमा दिया था आपको क्या बताता मुझे गाड़ी चलानी आती नहीं अच्छा आती है ओ ये कह रही है आपको क्या पता था मुझे गाड़ी चलानी आती नहीं आती है बरूले खा रहे हैं बरूले खा रहे हैं बरूला मत समझना खाओ आप खा लेंगे आपको तो मुझे दिखा खाने दो तो वो हम थोड़ी करते हैं वो ये करके देते हैं अच्छी लगती है बटी हाँ वो तो आएंगे देखते क्या लाता देख लेते हैं बोंग सोंग भी है हाँ बोंग बोंग नहीं खाने वो हम खाने के शौकीन हैं मटन भेजा भी भेजा हाँ वो सब नहीं खाया जाएगा ना आएगा बहुत चोट लगी है सादा ना रही बोंग ना रही सादा ना तुम्हें कुछ और मंगाना था मैं क्या जानता हूँ हम तो जानते हैं ना जानते हैं तुम्हें तो बेटा सर्दी लगेगी अब हमारे तो एक वाटर ही बहुत है बस जी मूवी के बाद रात हो गई थी और डिनर तो बनता ही है तो इन्होंने हमसे पूछा क्या खाओगे वेज खाओगे नॉन वेज खाओगे अच्छा हम हमेशा ही वेज खाते हैं मैंने कहा आज हम नॉन वेज खाते हैं तो बस ये यहाँ की मशहूर नहारी खिलाने ले आए थे अच्छा नहारी मैं यहाँ पर बहुत मिस करती हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती तो इन्होंने कहा आज मैं तुम्हें अच्छी वाली खिलाता हूँ तो यहाँ पर हम आए थे बल्ली मरान की मशहूर नहारी खाने के लिए वो हमने खाई और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा यम्मी थी और यहाँ पर लिबा की सैंडल खो गई थी और लिबा की सैंडल ढूंढने में हम इधर उधर लगे हुए थे तो मैं गाड़ी के बाहर भी देख रही थी
कहीं मुझे मिल जाए। तो खैर बहरहाल उसकी मतलब गाड़ी के अंदर ही गिरी थी तो वो यही कही थी। तो ये रहा बल्ली मारान की नहारी का रेस्टोरेंट एड्रेस वगैरह सब आप देख लेना, मैंने जल्दी से शूट कर लिया था क्योंकि बस अब हम खा के यहाँ से निकल रहे थे। बहरहाल बहुत अच्छा ट्रिप रहा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, खूब खाया पिया इंजॉय किया, थैंक्स टू हस्बैंड जो कि इन्होंने सब कुछ करा दिया। और लास्ट में बस आप लोगों से इतना कहना चाहती हूँ, सब्र का फल मीठा नहीं पठान होता। तो फाइनली हम लोगों ने पठान देख ही ली, लेकिन मुझे नहीं उम्मीद थी कि हम देख पाएंगे। और जिस हिसाब से चीज़ें बीच में ख़राब बहुत ज़्यादा हो गई थी ना, प्लान तो था लेकिन फिर चीज़ें ख़राब हो गई थी और हुई इन्हीं की वजह से थी। तो फिर इन्होंने ही इनिशिएटिव लिया और फिर हम लोगों को दिखा कर लाया। और मूवी तो खैर दिखाई दिखाई बाहर खाना भी खिलाया, तो बस हमें क्या चाहिए, एक मतलब बीवियों को क्या चाहिए होता है। तो बस सब कुछ अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। डॉगी की भी कवर होती है? अच्छा जी, क्यों ऐसा क्यों? कुत्ता ना, किसी अंग्रेज का कुत्ता मर गया, वो वहीं काट दिया। अच्छा जी, ये वो तुम्हारा वो है ना अली, तुम्हारी दिल्ली में है तो मजनू का टीला। हाँ हाँ, मगर मजनू बैठा है टीले पे। अच्छा अच्छा, टीला तो मेरी है। करेक्ट करेक्ट, ये तुम्हारा वो है ना जैसे माय दिल्ली में सीपी है, ये तुम्हारा पहाड़ जैसा है। अच्छा, पहाड़गंज जैसा है। हाँ 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 हाँ, पहाड़गंज तो मेरा देखा हुआ है क्योंकि पहाड़गंज हमारे कॉलेज के पास है ना। जाकिर हुसैन नहीं, पहाड़गंज नहीं है वो है। फाइनली वी आर बैक, हम घर आ चुके हैं। बच्चे तो, मेरी आंखों का हाल क्या हो रहा है, बच्चे तो गाड़ी में ही सोने लगे थे, बच्चे को बहुत नींद आ रही थी। अच्छा वैसे मैं इन्हें सुलाती हूँ ना तो ये सोते नहीं हैं, आज इन्हें इतनी नींद आ रही थी, जानते में भी सोए थे आते में भी सोए हैं और बहुत परेशान किया बच्चों ने। बच्चे ऐसे ही करते हैं, लेकिन मैंने आइंदा सोचा कि मैं लेके नहीं जाऊँगी आयरा को और लिबत दोनों को, ये बहुत शैतानी करते हैं, बहुत परेशान किया मुझे। खैर बहरहाल हमने देख ली, रिव्यू वगैरह कैसा रहा वो मैं आपको बाद में बता दूँगी कल, लेकिन अभी मैं वीडियो बन रहा, खूब अच्छे से खाया पिया मौज मस्ती की, आप लोगों ने देख ही लिया सब कुछ। तो बस अब मैं अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ और सूट आप लोगों ने देख लिया, इस तरह से पहना है मैंने, ये स्वेटर पहना है। गाइस वेलकम बैक, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, सर्दी पहले ही लगी हुई थी, फिर थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी ली थी तो उस वजह से तबीयत ख़राब हो गई। खैर बहरहाल बहुत जल्दी से आई हूँ आप लोग को रिव्यू देने के लिए, एक्चुअली मैं भूल गई थी, फिर मैंने कहा चलो मैं आपको रिव्यू दे देती हूँ क्योंकि रिव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मूवी के लिए। तो मैं आपको रिव्यू देती हूँ कि भैया सबकी अपनी अपनी पसंद है, किसी को कुछ पसंद है किसी को कुछ पसंद है। अगर आप मेरे हिसाब से पूछें, मुझे बहुत ज़्यादा खास नहीं लगी। इससे खास मूवी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, हम रेस 1 देख चुके हैं, रेस 3 तो बेकार थी, रेस 2 देख चुके हैं, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इसके अकॉर्डिंग, पठान के अकॉर्डिंग। पठान का बस एक फीवर ही है, बाकी ऐसा मुझे कुछ खास नहीं लगा। आप लोग जाना चाहते हैं तो आप देख करा सकते हैं, मैं आपको मना नहीं कर रही, रोक नहीं रही। फिर पर्सनली मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं लगी क्योंकि मैंने सोचा हुआ था कि कोई भी मूवी होती है ना उसमें कोई एक मूवमेंट आता है या तो वाओ मूवमेंट, जो बंदा खुद ही मतलब हूटिंग करने लगता है या ताली बजाने लगता है, मुझे एक भी मूवमेंट उसमें इस तरह से नहीं लगा, मतलब नहीं मुझे ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, हमारी तो एक आउटिंग हो गई है ना, इतना इसका शोर होता ना हम देखने जाते क्योंकि ऐसे हज़ारों मूवीज़ आते हैं, हम नहीं जाते। तो बस खैर मैं तो थैंक्स कहूँगी, थैंक्स टू पठान जो हमारा भी नंबर लग गया तो बस हम देख ही आए। खैर बहरहाल सब कुछ बहुत अच्छा रहा, ट्रिप अच्छा रहा, खाना पीना अच्छा रहा। रेस्टोरेंट था अलीगढ़ में, जमालपुर की साइड था वो रेस्टोरेंट, बल्ली मारान की मशहूर नहारी, मैंने उसका आपको दिखा दिया था। अगर आप लोग भी जाना चाहें तो ज़रूर जाएं और खा कर, मुझे बहुत ज़्यादा यम्मी लगी, मतलब मुझे दिल्ली की याद आ गई, जो दिल्ली में वाकई में बल्ली मारान में जो नहारी मिलती है वो ऐसी ही होती है। तो बस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना, कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ कर देना। इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तभी कल का व्लॉग नहीं आया था क्योंकि कल हम लोग शाम को वहीं चले गए थे तो मैं एडिटिंग नहीं कर पाई। तो चलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।